बीती रात बिग बॉस 13 के घर से शिफाली बग्गा बेघर हो गई हैं। ये तो बात आप सब जानते हैं, जहां बेघर होने के बाद शिफाली बग्गा ने अपने इंटरव्यू में रश्मि से लेकर सिद्धार्थ और इन दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ ऐसे सच हम सभी के साथ शेयर करे हैं जो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता दिया। लेकिन शिफाली बग्गा सिर्फ रश्मि और सिद्धार्थ के रिश्ते तक ही नहीं बात करी, बल्कि शिफाली बग्गा ने घर में बाकी तमाम सदस्यों के बारे में भी कई बातें और कई खुलासे किए हैं। तो आज अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार शिफाली बग्गा ने क्या कुछ कहा है पारस और माहिरा के रिश्ते के बारे में। जी आपको बता दें, जहां बिग बॉस में हम काफी दिनों से या काफी बार ये देख चुके हैं कि पारस और माहिरा एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते नजर आए, एक दूसरे के साथ किस भी शेयर करी, अब चाहे वो किस शहनाज गिल को जेलस फील कराने को लेकर हो या कुछ और। लेकिन पारस की तरफ से माहिरा के लिए हमेशा अटेंशन देखी जाती है। पारस आए दिन ये भी दिखता है कि माहिरा को सपोर्ट करते हैं, माहिरा की तरफ से स्टैंड भी लेते दिखाई देते हैं। तो वहीं एक दिन तो अचानक खुल्लम खुल्ला माहिरा ने भी शहनाज को सामने कबूल किया कि उन्हें पारस से प्यार है। जी हाँ, पारस और माहिरा का जो ये नया रिश्ता घर के अंदर बुन रहा है, इस पर शिफाली बग्गा ने शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, तो आपको बताते हैं शिफाली ने पारस और माहिरा के रिलेशनशिप यानी कि उनके रिश्ते पर क्या कहा है। शिफाली ने साफ शब्दों में कहा है कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ फेक है। जी हाँ, ये दोनों जो भी कर रहे हैं वो फेक तरीके से लोगों के सामने अपनी बॉन्डिंग रख रहे हैं, इनका कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ ये शो का हिस्सा और लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कई बार घर में ऐसे मौके होते हैं जब ये दोनों सिर्फ ऑन कैमरा ही ये सब करते दिखाई देते हैं, चाहे साथ में सोने की बात हो या एक दूसरे को किस करना। लेकिन मेरे हिसाब से पारस सिर्फ और सिर्फ शो में बने रहने के लिए माहिरा का इस्तेमाल कर रहे हैं और माहिरा के साथ फेक रिश्ते का नाटक कर रहे हैं। जी हाँ, तो जब शिफाली बग्गा से इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल यानी कि सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शहनाज गिल वाकई में सच में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फील करती हैं, उन्हें एक दोस्त से ज्यादा मानती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। इस बात को सुनकर, शिफाली के इस स्टेटमेंट को सुनकर कोई खुश हो या ना हो, पारस चावड़ा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी काफी खुश है। क्योंकि जब शिफाली बग्गा ने ये साफ कर दिया है कि पारस फेक है, वो सिर्फ शो में बने रहने के लिए माहिरा के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, इस स्टेटमेंट से आकांक्षा के दिल को काफी सुकून मिला है। क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि घर में आने से पहले पारस और आकांक्षा लॉन्ग टर्म रिलेशन में है। पारस ने आकांक्षा का नाम का टैटू अपने हाथ में बनवा भी रखा था। अब आप कमेंट सेशन में ये लिखकर बताएं कि आप शिफाली के एविक्शन से खुश हैं, और ये भी बताएं कि आपका क्या कहना है अब पारस माहिरा की स्ट्रेटेजी पर। क्या आपको भी लगता है इन दोनों का रिश्ता फेक है? नेक्स्ट टू नाइन लाइव डेट से इंदु की रिपोर्ट।